NC can do a piece of work in 24 days, 32 days and 64 days respectively. All begin to do it together and A leaves 6 days before the completion of the work. In how many days work completed? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी इंडिविजुअली अकेले अकेले इस काम को 24 डेज में 32 डेज में और 64 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं. तो इसका सिंपल सा फंडा क्या होता है, आप वर्क यूनिट को ऐसा अज्यूम कर लो जो इन तीनों के एलसीएम के टर्म्स में हो. तो इनका एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है. 24 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 24 को लिख सकते हो आप 2 to the power 3 into 3. 32 को क्या लिख सकते हो आप, सिंपली लिख सकते हो 2 to the power 5. और 64 को क्या लिख सकते हो, सिंपली 2 to the power 6. तो इन सभी का एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको, 2 to the power 6 into 3, यानी 64 into 3, दैट इम्प्लाई 192. तो अगर 24 डेज में ए 192 यूनिट काम कर रहा है तो ए की पर डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 यूनिट, सिंपली 192 डिवाइडेड बाई 24. नाउ अगर बी 32 डेज में 192 यूनिट काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 यूनिट. और सी अगर 64 डेज में ये कंप्लीट काम कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट. नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ काम स्टार्ट किए हैं, करेक्ट है, लेकिन काम के कंप्लीट होने से 6 दिन पहले ए ने वर्क को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है. इसका मतलब लास्ट का जो 6 डेज का वर्क होगा वो कौन करेगा, वो करेगा बी प्लस सी, सिंस ए चला गया है. और उससे पहले कौन काम कर रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये सारे टुगेदर काम कर रहे होंगे, क्लियर है. तो लास्ट के 6 डेज में टोटल कितना काम हुआ होगा, आपको पता है कि बी और सी की एफिशिएंसी 6 और 3 9 यूनिट है. तो 6 डेज में इन्होंने 9 यूनिट के रेट से कितना काम किया होगा, 6 into 9, दैट इम्प्लाई 54 यूनिट. तो 192 यूनिट में से 54 यूनिट तो लास्ट में बी और सी ने किया, तो उससे पहले टोटल काम ए प्लस बी प्लस सी ने कितना किया होगा, सिंपली 192 माइनस 54, और ये किसके इक्वल आएगा, यह आएगा 138 के. आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी थी, 8 और 6 14 और 3 17, और टोटल वर्क डन कितना करना था इनको, 138 यूनिट. तो यहाँ पे टोटल डे कितना लगेगा, सिंपली 138 डिवाइडेड बाय 17, 17 into 8 136 होता है. तो ये वैल्यू कितना आएगा, 8 2 by 17 डेज, करेक्ट. और यहाँ से आपको टोटल 6 डेज और है, तो टोटल डे कितना हो जाएगा इन दोनों का सम, तो ये आ जाएगा 14 2 by 17 डेज. और यही हमारा क्या होगा आंसर, और ये आंसर किसी भी ऑप्शन में नहीं है. सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई, नन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स.